हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मंक हियर। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मनी मैनेजमेंट गाइड फॉर स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, राइट। सो जो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर होते हैं वो कैसे मनी मैनेजमेंट करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी मनी मैनेजमेंट बताया है आज तक, सो उसमें बेसिकली बिग कैपिटल होता है मेरा यूजुअली, जो मैं ट्रेड करता हूँ। मिनिमम जो मेरा ट्रेड अमाउंट होता है वो 100 USDT होता है, राइट। सो 100 USD का मैं मिनिमम पर ट्रेड लगाता हूँ एक ट्रेड में, और उसके अकॉर्डिंग ही मनी मैनेजमेंट आपको सिखाता आया हूँ। बट आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है कि सर मनी मैनेजमेंट फॉर स्मॉल कैपिटल आप एक बार सिखाओ हमें। सो उसी के लिए मैं आपको वीडियो बना के ये एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो। सो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है इन द रियल मैनर, तो आप एक बार फोकस से कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, राइट। सो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ अपने ट्रेडर्स की, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ एडिड हैं ऑलरेडी, तो वो मेनली जो उसमें ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं वो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर ही होते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि स्मॉल कैपिटल के साथ भी बड़े कैपिटल को कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने भी कई बार किया है, आप भी कई बार कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो सेकेंडली जो बात करें हम, स्मॉल कैपिटल अगर हमारा है तो हमें मनी मैनेजमेंट अपना कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज आपने डिपॉजिट करा 10,000 रुपीज़ या 8,000 रुपीज़, जो कि मेरा बैलेंस है करंटली 8,602। आपने ये अपना बैलेंस के साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। अब आपको जो ट्रेड लेना है, एकदम से आपको 500 रुपये 1,000 रुपये नहीं लगाने हैं। देखो आपका कैपिटल अभी स्मॉल कैपिटल है, ठीक हो। अब आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस को फॉलो करो, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बड़े ट्रेड से बचना है, पर ट्रेड आपको स्मॉल कैपिटल लगानी है, ठीक है। पर ट्रेड स्मॉल कैपिटल आप लगाओगे तो आपके लिए क्या होगा कि धीरे धीरे आपका प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा। और जब आप 10% डेली का प्रॉफिट का टारगेट रखोगे, या 10% भी ना सही, आप सपोज करो 800 रुपये डेली का आपने टारगेट रखा, 800 रुपये डेली का टारगेट के हिसाब से आपका 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर वो कैपिटल डबल हो जाएगा, ठीक है। उस कैपिटल को डबल करने के बाद आप क्या करो कि अपना जो कैपिटल का पर ट्रेड अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ा दो, उसको 200 रुपये कर दो, ठीक है। 200 ना करके 300 रुपये कर दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आपको 10% ऑफ द कैपिटल का रूल फॉलो नहीं करना स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट में, स्मॉल कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो मनी मैनेजमेंट में आपको डिटेल में एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो आपका एक ट्रेड लॉस हो जाता है या दो ट्रेड लॉस हो जाते हैं, ठीक है। MTG भी कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। मैं यूजुअली जब ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहा होता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारा एक दो कॉल लॉस हो जाते हैं, उसमें MTG भी लॉस हो जाते हैं। सपोज करो आपको मैंने एक कॉल दी और वो लॉस हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको MTG मतलब क्या होता है, इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। सो MTG जब मैंने आपको बोला और वो बाय एनी चांस वो भी लॉस चला गया, सो द थिंग इज कि आपके 3 ट्रेड लॉस हो गए। एक ट्रेड लॉस हुआ, फिर उसके बाद MTG भी दोनों लॉस हो गए। अब आपको बेसिकली क्या करना है, MTG लॉस के केस में अब आपको जो फोर्थ ट्रेड लेनी है वो ये नहीं कि आप वही एक्यूमुलेट अमाउंट करके आपने 100 रुपये की ट्रेड ली, 100-100 की 3 लॉस हो गई, 300 रुपये आपके लॉस हो गए 3 ट्रेड में, तो आपको चौथा ट्रेड जो लेना है वो 400 रुपये का नहीं लेना, ठीक है। आपको जो फोर्थ ट्रेड लेना है वो 100 रुपये का ही लेना है, ठीक है। समझ में इतनी बात समझ में आई आपको, आपको जो फोर्थ ट्रेड लेना है आपको 100 रुपये का ही लेना है। सर आप हमारे 3 ट्रेड तो लॉस हो गए, एक ट्रेड विन हुआ, हम तो अभी भी 200 रुपये लॉस में हैं, ठीक है। सो इसको हम रिकवर करेंगे। मैंने सिग्नल्स देने बंद तो नहीं करता हूँ, ठीक है, सिग्नल्स मैं कंटिन्यू रखता हूँ देने के लिए आपको। अब जैसे मेरा ये ट्रेड है, ये मैंने आपकी तरफ लिया है, ये मेरा अगर लॉस हो गया तो मैं यहाँ पे MTG अप्लाई करूँगा, रीजन बीइंग ट्रेंड मेरा अप है और ट्रेंड लाइन का मेरे को सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम जो ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर सपोज करो आपको मैंने 2-3 ट्रेडिंग सिग्नल्स फिर बाद में दिए, 3 सिग्नल्स देने के बाद और बैक टू बैक विन हो रहे हैं,
तो उस बीच आप अपनी कैपिटल को किसी एक सिग्नल पे डबल करके अपना रिकवरी कर सकते हो, और नहीं भी हो रही रिकवरी तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा वीआईपी ग्रुप में भी होता है इवनिंग में, जितने भी मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं, या मैं मॉर्निंग सेशन जो कि मेरा नून सेशन है उसमें भी मैं रिकवरी सेशन कराता हूँ डेली मॉर्निंग में। आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसेस सिंपल है, आपको क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मेरे को अपनी ट्रेडिंग आईडी भेजनी है और मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम सिग्नल्स मिलते हैं, तब आप रिकवरी कर सकते हो अपनी, राइट। अगर आपको खाली खाली पब्लिक ग्रुप के सिग्नल्स फॉलो करने हैं या आप ऑलरेडी क्योटेक्स पे ट्रेडिंग अकाउंट अपना बना चुके हो, ठीक है, तो आपको बेसिकली 24 आवर्स ही तो रुकना है। 24 आवर्स रुकने के बाद आपको अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट डिलीट करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है, उसके 24 आवर्स बाद सेम ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो आप अपनी, ठीक है। उसके बाद आप वीआईपी ग्रुप में ऐड होके सिग्नल्स फॉलो करके अपनी रिकवरी कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप अपनी रिकवरी करो एक साथ। देखो सपोज करो 100 रुपये लॉस हुआ, MTG 200 रुपये लॉस हुआ, ठीक है, फिर आप 400 रुपये लगाओगे फोर्थ ट्रेड तो वो भी लॉस हो जाएगा, तो इस तरीके से तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अभी देखो मेरा MTG भी लॉस हो गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे मेरे ये दो ट्रेड विन हुए, एक ट्रेड मेरा लॉस हुआ, उसके बाद MTG भी लॉस हो गया, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट ट्रेड है ये नहीं 400 रुपये कर दूँ यहाँ पे, नॉट एट ऑल, मैं यहाँ पे इसे 100 रुपये ही रखूंगा और देखो मैं आपके सामने रिकवरी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इंस्टेंटली आपको रिकवरी करके दिखाऊंगा और मैं प्रॉफिट में भी आऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आप बात को समझो, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। आप एकदम से 400 रुपये लगा दोगे और वो भी लॉस हो गई तो कैपिटल आप कैसे लाओगे वापस से, फिर से डिपॉजिट करोगे? आप इसी कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाओ ना, ठीक है। कभी कभी हो जाता है लॉस, ऐसा नहीं है हर समय ही हमें प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपने सिग्नल्स देता हूँ, मेरा बिल्कुल पब्लिक ग्रुप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लर्निंग मटेरियल आपको मिलेंगे, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, बाइनरी बेसिक कोर्स है मेरा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर किसी के लिए। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखो बात रही रिकवरी की, तो रिकवरी जैसे सपोज करो अब मेरे यहाँ पे 3 लॉस हो गए तो मैं भी तो रिकवरी आपकी करूँगा ना, मैंने भी तो 400 रुपये का रिस्क नहीं लिया ना। देखो अगर मैं अपने मेन अकाउंट से अगर अपना कर रहा होता ट्रेडिंग तो आपको भी पता है कि सर लगा देते हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन जब हमारा स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है, स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को शॉर्ट शॉर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे को ट्रेडिंग सिग्नल्स में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो मैं रिकवरी करने में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा। जल्दबाजी मचाने का नतीजा क्या होता है, हम लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। जल्दबाजी हम ज़्यादा करेंगे तो हम लॉस कर बैठेंगे अपना। ये देखो मेरा फोर्थ ट्रेड भी लॉस में चला गया, अभी भी मैं 400 रुपये नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, यहाँ से यहीं से तो हमने कमाया है, यहीं पे ही हम दोबारा अर्न करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेंड आ रहा है आपका, ये एक दो कैंडल रेड बनेगी उसके बाद ये फिर से कंटिन्यू करेगा ग्रीन की तरफ। पेशेंटली बैठे रहो, एक बार पेशेंटली बैठोगे, पेशेंटली एक बार वॉच करोगे मार्केट, तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा। आप एक साथ अपना कैपिटल डबल करने की सोचोगे तो देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं, जल्दबाजी की जो ट्रेडिंग होती है वो आपको हमेशा लूज़ कराएगी, ठीक है। जल्दबाजी की ट्रेडिंग आपको हमेशा लूज़ कराएगी। आपको जो मनी मैनेजमेंट में गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो बेसिकली यही है, एक ही मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, आपके लिए जो आप 10,000 से 8,000 से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उनके लिए एक ही मनी मैनेजमेंट है, स्मॉल कैपिटल आप लगाओ अपनी। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन का कितना अच्छा सपोर्ट इसको मिल रहा है, अगर ये वापस से रेड बना के मुझे ट्रेंड लाइन पे आएगा मैं यहाँ पे वापस से ग्रीन की पोजीशन क्रिएट करूँगा, तब मैं 1-2-3 ट्रेड भी ले सकता हूँ अपने, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से ये नीचे की तरफ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जो लूँगा एक ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लेने का, मैं इसे 1-2 कैंडल वॉच करूँगा, उसके बाद जब मेरे को लगेगा ट्रेंड लाइन के पास ये आ रहा है मेरी तो मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड लगा दूंगा और अपनी रिकवरी करने की कोशिश करूँगा। देखो ये आ रहा है पास में, मैंने देखो 3-4 ट्रेड लगा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे आप बड़ा ट्रेड लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड लगाए बैक टू बैक, ठीक है, यहाँ पे ये 5 ट्रेड मेरे चल रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 100 रुपये का ट्रेड लेना है, 100 रुपीज़ के ट्रेड से अगर आप रिकवरी करने की कोशिश करोगे आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी,
लेकिन अगर आप एक साथ 400-500 रुपये का एक ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाओगे, आपके पास कैपिटल कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, राइट। सो इस मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो करो, आप प्रॉफिट करने की कोशिश करो अपनी, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट पे मेरा विन होने जा रहा है और ये मेरा देखो विन हो गया, ठीक है। ये देखो, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 10 सेकंड भी बेच रहे हैं और मेरे को ट्रेंड लाइन का ऐसा सपोर्ट मिला कि मेरा एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। रिस्क तो रहता ही रहता है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, देखो 950 रुपये की यहाँ पे रिकवरी हुई आपके सामने, देखो लाइव अकाउंट चल रहा है 100। देखो फोरेक्स मॉन्क अभी तक डॉलर में ट्रेड करता हुआ आया है, लेकिन मैं आपके लिए मनी मैनेजमेंट आपको सिखाऊं मैं अच्छे से, तो मैं देखो रुपी भी यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल आपके साथ, जो आप रियल में करते हो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आप नए नए इन्फ्लुएंसर्स के साथ सीख के आते हो, आप अपना लॉस कर देते हो, फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करते हो कि सर इस XYZ यूट्यूबर ने मेरा लॉस करा दिया, मेरे को क्या पता वो क्या सिखा रहा है, बताओ आप मुझे। नहीं ना, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं जाके उसकी वीडियोस देखूं, उसका टेलीग्राम चैनल स्क्रॉल करूं कि वो क्या सिखा रहा है, मेरे को मतलब भी नहीं है वो क्या सिखा रहा है, ठीक हो ना। ही मेरा ये काम कि दूसरे की तरफ देखूं कि वो क्या सिखा रहा है। आप अपना मेंटोर खुद चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप अपना मेंटोर किस तरीके से चूज करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा फोकस करता हूँ मेनली लर्निंग पे, इंडिकेटर स्ट्रेटजीज और प्राइस एक्शन पे, ठीक है। मैं ट्रेडर से बोलता हूँ कि आप बेसिक कोर्स करो, एडवांस कोर्स करो, फिर आप धीरे 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 अपनी कैपिटल को बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप एकदम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, दूसरे के सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो देखो हमेशा तो आपको सिग्नल्स नहीं मिलने वाले ना। कोई मैं भी फॉर एज ए फॉरेक्स मॉन्क लाइफ टाइम आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करा सकता हूँ क्या? नहीं करा सकता ना। आप खुद से पूछ के देखना ये चीज, नहीं करा सकता ना। आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मैं कैसे प्रोवाइड करा दूंगा, आप खुद सोचो, ठीक है। नहीं करा सकता ना आपको। देखो खुद तो लर्निंग करनी ही पड़ेगी, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो खुद तो, ये मैंने MTG की पोजिशन क्रिएट कर दी थी, है ना, यहाँ पे क्रिएट कर दी थी। ये देखो मेरे को ट्रेंड लाइन पे करनी थी MTG की पोजीशन क्रिएट, बट मेरे को थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के चक्कर में एकदम से कैंडल अप गया तो मैंने MTG क्रिएट कर पाया, ठीक है। लगता है मेरा ये शायद विन हो जाएगा, रीजन बीइंग अभी भी इसमें 19 सेकंड बाकी है और मेरा ट्रेड 1 मिनट का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब आप खुद से लर्निंग कैसे करोगे, बैक टू द टॉपिक, आप खुद से लर्निंग कैसे करोगे? खुद से लर्निंग आप कर पाओगे मेन एंड मेन ओनली प्रैक्टिस के थ्रू। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, ठीक है, आप हमेशा यही सोचोगे कि भाई दूसरे की मैं ऊपर डिपेंड रहूंगा, वो मुझे सिग्नल लाइफ टाइम प्रोवाइड कराओगे, तो वो तो देखो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको खुद अपनी लर्निंग को उस मुकाम तक ले जाना है कि आपको किसी के फर्क ना पड़े सिग्नल्स का, ठीक है। आपको सिग्नल्स कोई प्रोवाइड हो जाते हैं, आपका प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको अपनी लर्निंग को इतना एक्सटेंड करना है कि आप ना इतने ज़्यादा काबिल ट्रेडर बन जाओ कि आप खुद से ट्रेड लो, खुद से प्रॉफिट करो और खुद से अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेडर बनाओ, और वो हो सकता है, ठीक है। ये कोई ट्रेडर कोई अलग नहीं होते, ये भी आपकी तरह होते हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बट मेरा क्या है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेजर है। मैं 2013 से इस ट्रेडिंग मार्केट में हूँ। मैं 2013 में करेंसी पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप यकीन नहीं मानोगे कि कोरियर करने पड़ते थे अपने डॉक्यूमेंट्स, 1 महीना लग जाता था। आज 24 आवर्स में आप अपना डीमैट अकाउंट रेडी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी तो मनी मैनेजमेंट फॉलो करके आपके सामने मैंने लाइव रिकवरी भी करी, लॉस भी करे, प्रॉफिट भी करा, और देखो $6.87 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये करीब करीब अगर मैं देखूँ जो प्रॉफिट मेरा हुआ है वो 500-600 के अराउंड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे रुक जाओ। देखो मैंने अपनी इस ट्रेड में यहाँ पे शुरू करा था, यहाँ पे प्रॉफिट भी करा है, लॉस भी करा, बैक टू बैक 4 लॉस और फिर अगेन प्रॉफिट भी करा। और ये OTC मार्केट है, USD BRL मेरा पेयर है, क्योटेक्स का मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। आपको क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्योटेक्स का अकाउंट ओपन कर लीजिए। नॉर्मल KYC है, जो नॉर्मल ऐप में होती है KYC, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो मेरी तरह, ठीक है।
आप अपनी ट्रेडर आईडी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हम आपको शॉर्ट पैटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं, लर्निंग मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह बहुत सारे लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सपोर्ट किया करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। सो आपको खुद अपनी लर्निंग को इस मुकाम तक पहुंचाना है कि आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सको। ठीक है, आपके सामने मैंने लाइव ट्रेड भी करा, लाइव रिकवरी भी करी। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेड करता जाता आपकी ट्रेड लेता जाता, यहाँ पे देखो रेड कलर के कैंडल बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब मेरे को ये देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं है आसपास, मैं डाउन का ट्रेंड लूँ तो किस सपोर्ट क्या लूँ, है क्या बेस क्या है डाउन का ट्रेंड लेने का? कुछ भी बेस नहीं है, ओटीसी मार्केट है, वोलेटाइल होता है, आजकल तो नॉर्मल मार्केट भी वोलेटाइल चल रहा है ड्यू टू वॉर सिचुएशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आपको देखो इनफ प्रॉफिट हो गया आज, देखो इतने सारे ट्रेड मेरे विन हुए, चार लूज भी हुए, रिकवरी भी हुई, प्रॉफिट भी हुआ अल्टीमेटली। अब क्या है, देखो आपका हो चुका ये, देखो बाइनरी ऑप्शन जो मार्केट होता है ना, यहाँ पे टाइम रहते ही आपको कल्टी हो लेना है इस मार्केट से। जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे मार्केट में, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉस हो। आपने 10-15 मिनट 20 मिनट एनालाइज करा, आधे घंटे एनालाइज करा, उसके बाद 10-15 मिनट ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ अपनी कैपिटल का अराउंड 10% का, आप निकल लो मार्केट से। फिर शाम को एक बार करना यूएस सेशन में। देखो दो सेशन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 1 बजे के करीब का जो सेशन होता है, उसके टाइम पे यूरोप मार्केट होता है वो अच्छा काम कर रहा होता है, उसका इफेक्ट जो होता है लाइव मार्केट में बहुत अच्छा जा रहा होता है। एक यूएस मार्केट होता है जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 7 PM पे ओपन होता है, 7 PM 6 PM के अराउंड, और वहाँ पे नैसडेक का जो इफेक्ट होता है वो यूएसडी के जितने भी पेयर्स होते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसके सराउंडिंग आप अपनी ट्रेडिंग का टाइम रखो, रिसर्च आप करते रहो, फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ पढ़ते रहो। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज़ का जो इफेक्ट होता है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो अपनी लर्निंग को एक्सटेंड करो, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनोगे। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट में। थैंक यू सो मच।